बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, और आपको इस वीडियो में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो ज़बरदस्त जॉब्स आई हैं उसके मुतालिक मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में मुकम्मल तरीका भी समझाऊंगा कि आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जॉब, मैट्रिक से लेकर मास्टर डिग्री तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से लोग इसी मुतालिक परेशान होते हैं कि मैट्रिक के मुतालिक जॉब नहीं आ रही, इंटरमीडिएट की तालीम के मुतालिक जॉब नहीं आ रही। अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों ने मैट्रिक और इंटर के लिए और ख़ुसूसी तौर पर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स का जो है वो ऐलान किया है। इसीलिए मैं आप लोगों को से कह रहा हूं कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा, और वीडियो में को देखने के बाद आपको तमाम बातें भी समझ में आ जाएंगी और आप लोगों को अप्लाई करने का भी मुकम्मल तरीका जो है वो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो की जानिब जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और साथ में एक बेल आइकन आ रहा होगा उस बेल आइकन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इसका फ़ायदा आप लोगों को ये हो जाएगा, डेली जो भी इन्फॉर्मेशन आती हैं जॉब से मुतालिक और जो भी नई इन्फॉर्मेशन होती हैं किसी भी काम से मुतालिक, वो इन्फॉर्मेशन जब भी मैं अपलोड करूँगा तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना चैनल को जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, और आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो चलें जी, अब चलते हैं जॉब से मुतालिक मालूमात लेने के लिए, और जानते हैं कि आप लोग जॉब पर अप्लाई कैसे करेंगे। जी हाँ, अप्लाई करने के लिए आप लोग अपने किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे, और उस ब्राउज़र में जाकर आप लोगों ने टाइप करना है हमारी वेबसाइट का नाम, जॉब्स रोज़ाना, JOBSROZANA। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, बाज़ औक़ात आप स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक कर देते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है ये आपको नहीं मिलती। और मैं आप लोगों की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी जो है वो लाजमी देता हूं। अगर आप लोगों को हमारी वेबसाइट नहीं मिल रही, गूगल पर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या कोई भी ब्राउज़र हमारी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो आप लोग डायरेक्टली नीचे के हमारी वेबसाइट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। देखें जी, जॉब रोज़ाना मैंने लिखा, मेरे सामने तो जॉब रोज़ाना लिखा हुआ आ गया है, इसीलिए मैंने जॉब रोज़ाना के नाम पर क्लिक किया। जैसे ही मैं जॉब्स रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने कुछ ही सेकंड के बाद जो है वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। देखें जी, जॉब्स रोज़ाना जो साइट है ये आपके सामने ओपन हो रही है। कुछ टाइम लग जाता है, बाज़ू का डिपेंड करता है नेट की स्पीड के ऊपर कि कितनी नेट की स्पीड आ रही है, क्या है क्या नहीं है, इसी वजह से ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोग थोड़ा सा जो है वो लाजमी वेट किया करें, किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के बाद उसको देखने के लिए लाजमी आप थोड़ा सा वेट किया करें लाजमी तौर पर, ताकि आप लोगों को जो है वो वेबसाइट जो है वो मिल जाए। देखें जी, ये जॉब्स रोज़ाना की जो साइट है jobsrozana.com, ज़रा थोड़ा सा इसकी स्पीड स्लो थी, आपके सामने जो है ओपन हो चुकी है। ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज है, और इस पेज पर आप लोग देखें कि जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं, डेली न्यू भी जॉब्स हैं, वो सारी जॉब्स जो हैं ये आपके सामने दी गई हैं। कुछ दिनों से मैं जॉब जो है वो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से जो है ये नीचे जो जॉब्स हैं ये काफ़ी पुरानी हो चुकी होंगी, इसलिए आप इन पर ज़रा गौर मत कीजिएगा। सबसे ऊपर है जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जॉब्स हैं, यहाँ आप लोगों ने क्लिक कर लेना है इसके टाइटल के ऊपर। फर्स्ट पर सबसे पहले जो है वो यही जॉब्स हैं। इस टाइटल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस जॉब से मुतालिक जो भी नई इन्फॉर्मेशन और मालूम होंगी, वो तमाम मालूम जो हैं ये आपके स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएंगी। ये इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन एक इदारे का इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग जब इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो उन लोगों ने इदारे से मुतालिक कुछ क्वेश्चन करने होते हैं, और आपके जो क्वेश्चन है वो इसी पैराग्राफ को पढ़कर जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन इसका जो पढ़ना है वो लाजमी हो जाता है। पढ़ लिया करें, कोई बात नहीं, बहुत ही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन होता है इसका। लास्ट डेट अप्लाई करने की 26 फरवरी है। एजुकेशन जो है वो मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटर और मैट्रिक के दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल के लिए बहुत अच्छा मौका है, दोनों ही अप्लाई करेंगे। उम्र की जो हद है वो भी कोई कम नहीं है, 20 से लेकर 45 साल तक के लोग जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है जॉब्स के टाइटल भी कौन कौन से हैं, आप जो ऑल जॉब्स टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो एडवर्टाइजमेंट। जी, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं तमाम डिटेल जो है वो अपने हाथ से लिखूं, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, जबकि तमाम बातें जो है नीचे एडवर्टाइजमेंट में मौजूद हैं, यहाँ से आप लोग जो है वो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का तरीका क्या क्या होगा, अप्लाई करने के लिए आपने जाना है www.cts.org.pk की वेबसाइट पर, वरना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लिंक दे रहा हूं, क्लिक हेयर का, यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, यहां पर इसकी तालीम है और मुकम्मल तरीका है जी अप्लाई करने का कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे। मैं आप लोगों को यहां पर क्लिक करके बता देता हूं। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप लोग क्लिक करेंगे क्लिक हेयर के ऊपर।
जैसे ही आप लोग क्लिक हियर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने CTS की जो वेबसाइट है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखें जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP, ये इसके जो ये है सारे के सारे जॉब्स के टाइटल हैं जिस सीट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इसका जो फॉर्म होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, ये सारी की सारी जो हैं इसके वो हैं डिपार्ट्स हैं, यहाँ पर आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे तो इसके बाद इसका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ से आपने इसके एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है इसकी डिटेल देखकर। अब यहाँ पर आ गया जी, आपने किस सीट पर अप्लाई करना है, इसकी एडवर्टाइजमेंट आ गई, ऑफिसर मैनेजर है, ऑपरेशन ऑफिसर है। उसके बाद मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट के टाइटल के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिस असिस्टेंट का जो भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। देखें जी, ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म है PDF में जो है ये डाउनलोड हो चुका है मेरे मोबाइल फ़ोन में, आपके मोबाइल फ़ोन में भी डाउनलोड हो जाएगा। आपने जिस सीट पर अप्लाई करना है उस सीट के लिए जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस फॉर्म को आप लोगों ने फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई हैं कि मतलब आपने किसी भी फील्ड को खाली नहीं छोड़ना। उसके बाद आपने चलान फॉर्म को जनरेट करना है, चलान फॉर्म को जनरेट करने के बाद आपने इस एड्रेस के ऊपर जो है अपने चलान को भेज देना है। और जो इसकी फ़ीस है वो फ़ीस जो है इसकी यहाँ पर टोटल अमाउंट मतलब आपने कितने पैसे जमा करवाने हैं जी, इसके 65 रुपये का चलान है, इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है। तो आप लोग इस पर अप्लाई लाजमी कर दीजिएगा। चलान जमा करवाने के बाद, फोटोकॉपी लगाने के बाद डॉक्यूमेंट्स की जो नीचे एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों और तमाम सुनने वालों आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी और तमाम बातें बहुत ही आसान सी हैं। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होता है कमेंट का ऑप्शन, वहाँ पर आप मुझसे इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी जॉब के साथ। जब तक के लिए आप सब लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।